हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू द आर्कएंजल टैरो। आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, ब्लेस तो आप लोग हैं ही। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्कएंजल टैरो एक चैनल नहीं, एक फैमिली है, और जो भी इस फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। भगवान जी आपकी सारी विशेज पूरी करें, आपकी लाइफ में खुशहाली आए, बरकत आए, अबंडेंस आए। और जो इस चैनल पर नए हैं, आपकी लाइफ में भी खुशहाली आए, बरकत आए, अबंडेंस आए। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे, मतलब जैसी भी आपको लगे, ऑफ कोर्स आपका ही डिसीज़न है, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो कैसा सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या स्पेसिफिक वो एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप तब तक के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, राइट। अपना सारा ध्यान यहाँ पर ले आए, तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग, ठीक है। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं, करंट वो कैसा सोच रहे हैं बताएं। एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। करियर में काफी ध्यान दे रखा है उन्होंने, है ना, पैसे वगैरह बनाने में, अपना फ्यूचर बनाने में। और अब तो आप लोगों को लग भी रहा होगा कि आपसे बात करने में, आपसे ट्राई करने में बहुत मेहनत चल रही है उनके पीछे, जहां तक मुझे बॉटम ऑफ द डेक से समझ आ रहा है कि बहुत मेहनत अभी वो कर रहे हैं, या तो अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, साथ के साथ मुझे आप के रिलेशनशिप, बेशक आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा बिकॉज आपको तो पीठ दिखा रखी है ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत काम कर रहे हैं रिलेशनशिप पर भी, कुछ सोच रहे हैं, बैकएंड में सारा काम हो रहा है, दोस्तों से बात कर रहे हैं, मे भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सरप्राइजेस वगैरह की, ठीक है। मैं 5 क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालूंगी, जैसे कि पहले वाले निकाले थे, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, एक्शन ये क्यों नहीं ले रहे हैं, एक्शन ये अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं, अभी रीडिंग शुरू नहीं हुई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक से जो देख पा रही हूँ, पहले वो जो मुझे लग रहा है और हम फिर रीडिंग देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि ये बोलूं या वो बोलूं, कैसे बात करूं, गुस्से से आके बात करना शुरू करूं या प्यार से आके बात करना शुरू करूं, ठीक है। क्या कुछ करूं, उनको ये पसंद है, मतलब आपको जो भी पसंद होगा, आपको वो दूं या क्या दूं, तो कन्फ्यूज़ है अभी, उनको लग रहा है ये करूं वो करूं, क्योंकि एक होता है ना फूक फूक के कोई कदम रखना, फूक फूक के कोई चीज़ रखनी, तो वो सीन है आपके यहाँ पे पार्टनर का ना, कि भाई पूरा सोच समझ के कि कोई भी एक्शन मेरा वेस्ट ना जाए,
कुछ कार्ड्स यहाँ से निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स आया था लेकिन अब आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। भाई काफी खौफ ज्यादा है आपसे, कुछ तो बात है, बहुत ज्यादा डरा दिया है क्या आपने उनको? ऐसा कुछ बोला है आपने या तो उनको कि भाई खबरदार अब ऐसा कुछ किया तो, या ऐसा कुछ? क्योंकि मुझे लग रहा है आपने बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ उनको बोला और उनको बहुत टेंशन हो रही है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखा, पता है बंदा इतना कंफ्यूज क्यों होता है, कोई भी इंसान इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ट्राई कर रहा है बहुत कुछ आगे बढ़ने की लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि एक खौफ ऐसा बैठ गया ना, उनको लगने लगा है मे भी ऐसा सच में ना हो, लेकिन उनको लगने लगा है कि भाई आप है ना अब उनसे बात नहीं करोगे, सिचुएशन उनके हाथ से निकल गई है। वो पहले जितना अपने आप को कॉन्फिडेंट, जितना स्ट्रांग फील करते थे, अब वैसा नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो उनको लगता था हाँ भाई मेरे बाएं हाथ का खेल है, आगे मनाना भी मना भी लूंगा, सही भी कर लूंगा या कर लूंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, सिर्फ एनर्जीज है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो मना लूंगी एंड आपके पास जब मन करे तब आ जाते थे। ठीक है, फोर ग्रांटेड लेने लग जाते थे, लेकिन अब लगता है कि भाई फंस चुका हूँ। देखो पूरा आइस आइस है और ये बंदा कैसे फंसा हुआ है, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। सो अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स देखेंगे। एक को एक बार इनको एडजस्ट कर लेने दीजिए, फिर मैं सारे और मुझे बताते रहिएगा। कार्ड्स नहीं दिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की भी लग रही है और उनके पार्टनर की भी लग रही है। देख लीजिएगा कैसे आप पे सूट करता है, कैसे सूट नहीं करता है। अब भी बड़े इत्मीनान से भाई आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हो, आप उनको जरा भी भनक नहीं लगने दे रहे कि आप कैसा फील कर रहे हो, कितना दुखी हो, क्या है आपकी सारी चीजें, आप बिल्कुल भी उनको भनक नहीं लगने दे रहे हैं। एंड हाँ, माना कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है आपके लिए, स्टिल आपको उम्मीद है, आपने उम्मीद नहीं खोई है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद है आपको कि ये रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ है, वो आएंगे, लेकिन आपको दिखाना नहीं है, आप दिखा नहीं रहे हो उनकी अपनी फीलिंग्स उनको बिल्कुल भी। ठीक है, डेथ। भाई मुझे लगता है आप में से ये पहले भी गिरे थे कार्ड्स ना, पर आना था इन्होंने आ लिया। आप में से कुछ लोग अब इतना क्या होता है, मतलब इतनी हार चुके हो ना, हारना हाँ बस बहुत हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर आप चाहते हो ना कि ये रिलेशनशिप सही हो, तो अब जिस लेवल पे आपके पार्टनर छोड़ के गए थे इस रिलेशनशिप को, उस लेवल पे ये रिलेशनशिप आप मतलब उनको अभी जितनी पहले से था, जितना केयर था, प्यार था आपका उनके लिए, अब उस स्टेज पे उनको नहीं मिलेगा। कहीं वो सोचे कि हाँ भाई मैं तो यहाँ तक छोड़ के गया था, यहाँ तक चीजें सारी सही थी, अब उनको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बिल्कुल शुरू में उन्होंने सारी चीजें की थी आपके लिए, अगर वो आपके पास आते हैं तो उनको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से चीजें, लाइक होते हैं ना बॉटम से चीजें ऊपर तक लेके जानी, वो करना पड़ेगा, और एक नए सिरे से शुरुआत। जैसे पहले की तरह आपने रोप जमाते थे, आपको फोर ग्रांटेड लेते थे, वो चीज तो उन्होंने खत्म कर दी है। अब फोर ग्रांटेड ना तो आपको ले सकते, क्योंकि खौफ ही उनको ही खौफ है कि भाई मनाए कैसे नहीं मनाए, क्योंकि आपने अपना स्टैंड ले लिया बहुत अच्छे से। ठीक है, पर आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं होप अभी तक खोई नहीं है, बिल्कुल होप नहीं खोई है ना, बहुत ज्यादा उम्मीद में है कि चीजें सही होंगी, क्योंकि उनको लगता है कि चेंजेस आएंगे। ये टाइम बेकार चल रहा है, कोई नहीं, चलने दो भाई, आने वाले टाइम में
खुशियाँ होंगी और ये अपनी फैमिली और आपको साथ रखना चाहते हैं, मतलब दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देना चाहते हैं। पहले शायद इन्होंने अपनी फैमिली को ऊपर रखा आपसे, पहले आप पे ज़्यादा मतलब आपको इग्नोर किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया और फैमिली को चूज़ किया। अब ये आपको और आपकी फैमिली को साथ रखना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई मनाना है तो दोनों को मनाओ, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। व्हील देख रहे हैं आप कितना प्यारा गार्ड है। चीजें अब शुरू होंगी। अगर आपको लगता था अभी तक किसी चीजें बहुत खत्म हो गई हैं, बिल्कुल खत्म हो गई हैं, होपलेस हो गए थे, विश्वास करें मेरा, चीजें नए सिरे से शुरू होगी, क्योंकि ये जो पूरा था ना ये कार्मिक साइकिल थी और ये खत्म हो गई है। आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा है इस साइकिल से, बहुत कुछ सीखा है ना। एक्चुअल ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से ना फ्लैश बंद हो गया है, कोई नहीं, कार्ड्स आपको दिख ही रहे हैं और दिखेंगे ही। सो हम अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। चलो, ये एक कार्मिक साइकिल थी, इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी थी और नेक्स्ट आने वाले चीज में भी चीज़ें चलेंगी। बट आपको एक और बात बता दूँ, जैसे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पहले जैसे निकलना चाहते थे ना चीज़ों से, मुझे निकलना है, मुझे बाहर आना है, लाइक मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा तुमको आराम से, पर यकीन मानो इनसे हो नहीं पा रहा है छोड़ना ना। ऐसा नहीं है कि माइंड में नहीं आया था इनके, हाँ चलो भाई मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी आराम से, बट नहीं हो पा रहा है, नहीं छोड़ पा रहे हैं। सो अब हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स देख लेते हैं सबके। ओ नाइस, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो मैं बोल रही थी ना, पहले थे मूड में छोड़ने के कि भाई मैं छोड़ दूंगा चला जाऊंगा, लेकिन अब इनसे नहीं होगा, ये अभी नहीं छोड़ पाएंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। देखो पेज ऑफ कप्स इज लाइक उनके दिल में है प्यार, है ना, और उनको पता है चीज़ें खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप भी उनके लिए सीरियस हो, लेकिन जो आपका प्यार है ना वो काफ़ी मैच्योर है, आप चीज़ें मैच्योरिटी से डील करने लग रहे हो, लेकिन अभी ये पेज की एनर्जी में बिल्कुल, ठीक है, बच्चों वाली हरकतें करना, बच्चों वाला प्यार जाहिर करना, है ना। एंड बोला था कि चीज़ें ख़त्म हो गई है आपकी तरफ से, आपने बिल्कुल चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और ऐसा कर दिया है कि भाई अब मेरे को नहीं, मतलब अगर अब चीज़ शुरू करनी है, रिलेशनशिप शुरू करना है, अब आपको वापस से मेरी लाइफ में आना है, तो शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ये देखो, घर से बाहर, जैसे बंदा घर से बाहर भरी ठंड में बाहर नहीं निकल जाता है, वो वाला हाल इनका हो गया है कि भाई जब इनको सोचा नहीं था ना इन्होंने ऐसा हो जाएगा, लेकिन इनके साथ ऐसा हो गया है, ठीक है। और लेफ्ट बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ से तो मेरी खुशियाँ चली गई हैं, अब कोई नहीं मेरा समझने वाला, पर इनको पता है कि आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका वर्ल्ड हो, और ये माशाल्लाह आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और अगर इनको एक्शन लेना पड़े, अपनी फैमिली को समझाना पड़े, अपने इन लॉज को या आपके पेरेंट्स को समझाना पड़े, तब भी ये पीछे नहीं हटेंगे एक्शन लेने से ज़रूर ये अच्छा सा एक्शन लेंगे और उनको समझाएंगे, ठीक है। हेरोफेंट, बिल्कुल मैंने जैसे बोला ना कि ये आपको समझाएंगे, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स को मतलब समझाएंगे, अपने पेरेंट्स को समझाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और शायद शादी भी हो यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे शादी के। और चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अभी तक जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा था वो नहीं होगा, अब चेंज होगा। नाइट ऑफ कप्स, मूड में निकलने की रिलेशनशिप से, बट निकल नहीं पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं सिचुएशन से, तो ये अब जिस दुखी मन से ये निकल के गए थे, इवन आपको तो नहीं दिखाया होगा इन्होंने, लेकिन बहुत दुखी होकर निकल के गए थे
रिलेशनशिप से, लेकिन अब ये अपना प्यार, ठीक है, अपना प्यार कप देख रहे हैं आप, अपना प्यार लेके आ रहे हैं आपके पास. सो अभी तक जो था कुछ शुगर कोटेड नहीं था, कुछ झूठा दिखावा नहीं था, बिकॉज कार्ड्स आपके सामने हैं. और अब जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, कार्ड्स की पिक्चर्स भी अच्छे से डिपिक्ट कर रही हूँ, इट मीन्स कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी अच्छे से, है ना. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कार्ड्स मैंने बिछा दी और मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ, जो कार्ड्स है उसके मतलब भी आपको समझाती जा रही हूँ. तो आई होप सो आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी, राइट. एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है, कि सिचुएशन नहीं होगी, बट मुझे लगता है अगर नहीं होता ना तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, है ना. और कैंडल भी बोल रही है, फ्लेम कितना ऊंचा हो गया इसका. चलो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, राइट राइट. भाई साहब अपनी फीलिंग से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं ये, बहुत ज्यादा. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स दो बार आ गया है रीडिंग में, ठीक है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे शायद फैमिली थी, मान नहीं रही थी. पेज ऑफ कप्स, दो बार पेज ऑफ कप्स आ गया है, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट राइट राइट. अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं ध्यान पिछले टाइम में, लेकिन अब ये देख रहे हो ये बंदा यहाँ पे है, और जो मरमेड्स हैं उसने इनको इसको कवर कर लिया है, पर ये हार नहीं मान रहा है. ये देख रहा है कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं डट के सामना करूंगा या करूंगी, ठीक है. वही आपके पार्टनर का है अभी, कि अब चाहे आप मानो ना मानो, इनको कितनी भी फाइट करनी पड़े इस रिलेशनशिप के लिए, इस प्यार के लिए, ये करेंगे चाहे कुछ भी हो. ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है. अगला आते हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा कि ये निकल रहे थे, बिकॉज पता है ये क्यों मायूस हो जा रहे हैं बार बार, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप निकल पड़े, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अब इनको मुड़ के नहीं देखोगे, आपकी तरफ से सिचुएशंस खत्म है. पर ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में बहुत प्यार है, ठीक है, और आपके दिल में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मूव ऑन करना आपके लिए भी आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, है ना. पर इनको लग रहा है कि आप भाई मूव ऑन कर चुके हो. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अब ये फैमिली से जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं, दोस्तों से, फैमिली से, पता नहीं, चिड़ोकले नहीं हो जाता, बट पर्सन एक लेवल पे चिड़ोकले हो जाते हैं कि बस करो यार. और मतलब एक होता है ना कि उन पे खैर उन पे क्यों ब्लेम कर रहे हो यार, हो भी सकता है उन पे ब्लेम करने वाली बात, क्या पता दोस्त और फैमिली समझाते हो कि भाई दूर रहो, कुछ नहीं रखा, ऐसे वैसे जो भी समझाते हो. अब ये मस्त लड़ाई करने के मूड में है ना, बिल्कुल थोड़े बहुत चिड़ोकले हो चुके हैं चीज़ों को लेके, है ना, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अकेले पड़ चुके हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ठीक है. एंड अगेन इनका बार बार मन उछल उछल के मन करता है कि आपको आए, आपको बोले, लेकिन इनको डर लगता है क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते. कहीं इन्होंने आपको आके बोला और आपने इनको लाइक साफ जवाब दे दिया कि अब क्यों आए, और बहुत सारे सवाल पूछे, तब ये क्या करेंगे. तो अब इनका ये है कि क्या करें, इनका बहुत मन करता है आपको आके प्यार से देखें, और पता है आपको बच्चे की तरह देखते हैं, बच्चे की तरह, लेकिन आज आप बड़े हो गए और इनकी हालत बच्चों वाली हो गई है, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इनसे, लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं, कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, कि इनको लगता है भाई अब तो खफा है, खौफ हो रहा है इनको आपसे देख के ना, कि भाई बहुत मुश्किल है मनाना, बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मनाना आपको इस सिचुएशन पे. देख रहे हैं आप क्या चल रहा है ये सब भाई. अब मैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं वो कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है. कि आपको क्या करना चाहिए, सो आई होप आपको कार्ड्स तो दिख, चलो नहीं दिख रहे तो कोई नहीं, मैं दिखा देती हूँ. राइट 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 राइट, देख रहे हैं एम्परर, नाइन ऑफ कप्स,
द हैंगमैन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स. एंजल्स कह रहे हैं कि आपने अभी तक जितना भी काम किया है, जितनी भी मेहनत करी, जितनी भी मैनिफेस्टेशन करी है, उसका फल आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, विद इन 9 days. ठीक है, बहुत जल्द, 9 to 12 days आपको मिलने वाला है उसका फल. पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप खुश रहें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे ना होने दें, अपने आप को नेगेटिव चीजों से मत घेरे, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये आपकी और आपके पार्टनर दोनों का हीलिंग टाइम चल रहा है. दोनों हील हो रहे हैं, इवन आपके पार्टनर भी हील हो रहे हैं. तो अगर आप नेगेटिव होते हैं ना तो उनकी हीलिंग डिले होगी इस तरीके से. तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपको चाहिए वो पक्का पक्का आपको मिलना है. कमिटमेंट आनी है आपके पास, आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे ही आएंगे. पर आप नेगेटिव थॉट से थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखें, थोड़ा सा. ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ आप पे रेजोनेट करी, नहीं करी, जितनों पे भी रेजोनेट करी. ठीक है, और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी टाइम पर और जिस भी समय आप ये देखेंगे ये आपके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एक ही कलेक्टिव एनर्जी है. ठीक है, सो हाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही. तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.